हत्या, लूट और चोरी के चर्चित मामलों को सुलझाने वाले दुर्ग जिले के पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। दुर्ग एसएसपी बद्री नारायण मीणा, शहर एएसपी संजय ध्रुव और ग्रामीण एएसपी अनंत साहू ने बेहतर काम कर चर्चित मामले को सुलझाने वाले थानों के प्रभारियों के साथ ही पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सिविक सेंटर स्थित सीए बिल्डिंग के सभागार कक्ष में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग बीएन मीणा की पहल पर जिला दुर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सराहनीय कार्य करने के लिए सम्मान किया गया। ये सराहनीय कार्य विभिन्न क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा अपने कार्य को लगन एवं मेहनत से कर्तव्य का निष्पादन करने के लिए दिया गया, जिसको स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के द्वारा अपने हाथों से दिया गया। सराहनीय कार्य में मुख्यमंत्री महोदय की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जवानों, संपत्ति संबंधी अपराधों में मशरूका की बरामदगी हेतु उल्लेखनीय कार्य, ब्लाइंड मर्डर, चर्चित मामलों, साइबर सेल के अधिकारियों कर्मचारियों, पिंक गश्त के माध्यम से रक्षा टीम के द्वारा करने वाले कार्य, सीसीटीएनएस के अधिकारियों कर्मचारियों, साथ ही साथ यातायात विभाग में पदस्थ जवानों के द्वारा अच्छे कार्य एवं ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सराहनीय कार्य करने वाले जवानों को और इसके साथ ही डायल 112 ईआरवी में तैनात कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई के संबंध में कार्य एवं पुलिस लाइन में तैनात जवानों को एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। साथ ही उज्जवल भविष्य एवं आगे बेहतर कार्य करने की शुभकामनाएं दी गई। दुर्ग जिले में पिछले साल जो जितने भी वीआईपी प्रोग्राम हुए हैं या कोई लैंड ऑर्डर का इश्यू है या कोई बंदोबस्त है या त्यौहार का बंदोबस्त हो या कोई अपराध जिन्होंने रोका हो या जिन्होंने डिटेक्ट किया हो, उसमें विशेष योगदान देने के लिए जिन कर्मचारी अधिकारियों का नाम आया था, आज हमने सभी का एक साथ, क्योंकि बहुत दिनों से उनको, क्योंकि पुलिस में इनाम और सजा एक प्रक्रिया होती है, तो उसमें इनाम देने के लिए आज सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। विभिन्न केस और विभिन्न बंदोबस्त में जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सबको सम्मानित किया गया और इससे निश्चित रूप से सभी का मनोबल बढ़ेगा और वो कोशिश, उनकी कोशिश रहेगी कि आगे भी ऐसे अच्छे काम करें। कितने लोगों को दी गई? ये लगभग करीब 400 से ऊपर अधिकारी कर्मचारियों को हमने आज यहाँ पर प्रशस्ति पत्र दिया है संपूर्ण जिले। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट।